and welcome you all for the fifth round of the Vocal Contest 2010. And officially, spring की शुरुआत होती है और हम बसंत की बहार के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इस शो की जान और मेरी को होस्ट जेनी अपनी लंबी हिंदुस्तानी यात्रा से वापस आ चुकी है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो एक सेलिब्रिटी तो बन चुकी है और आप तो जानते ही हो कि जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो थोड़े बहुत कुछ नखरे तो होते ही हैं। तो यही सुन लो। एक्सक्यूज मी, हेलो 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 डियर लिसन, सॉरी आई एम रनिंग अ बिट लेट, आई एम इन माय चॉपर, आई एम राइट इन द पार्किंग लॉट, आई विल बी कमिंग इन लाइक फ्यू मिनट्स, होल्ड ऑन, ओके आई एम कमिंग, लिसन बैक। हेलो हेलो सर, हेलो, देखा आपने, ये है स्कार्बरो से यहां तक आने के लिए भी चॉपर बुक कर लिया। इसे कहते हैं थोड़े से नखरे, थोड़े से झटके। अब पता नहीं अब ये स्टेज पे आएगी तो क्या क्या करेगी। क्या हो गया, लगता है इंडिया में बहुत सारी हिंदी फिल्में देख ली होगी। मुझे तो लगता है कि दिमाग में थोड़े वायरिंग भी इधर उधर हो गए हैं, शायद मुझे ही ठीक करने पड़ेंगे। आप सब लोगों ने अवतार फिल्म तो देखी होगी, बहुत ही मशहूर फिल्म थी और देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मैं कहाँ हूँ? बिल्कुल सही जगह पे हो जेन, और तुम मेरी होस्ट हो, को होस्ट हो, और ये वोकल कॉन्टेस्ट का राउंड फाइव है। जेनी का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। थैंक गॉड। जेनी, तुम्हें तुम्हें पता है कि ये बसंत को ऋतुराज क्यों कहते हैं? भगवान जाने मुझे क्या पता। तो अपने भगवान को ही पूछ लो। हे भगवान, भगवान को भी सुनाई देता है क्या? वत्स, बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि वो मैंने बुलाया था। भगवान, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? तो सुनो वत्स, मोक्ष शुद्ध पांचम का दिन देवी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और वो मोक्ष शुद्ध पंचमी का दिन होता है, इसीलिए उसे वसंत पंचमी कहते हैं। वो तो भगवान दिखाई नहीं दे, लेकिन थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, यू कम कम।